हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप ओवर हेड, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू BLED.IN। तो ये हमारा पार्ट टू, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारा पेपर सीरीज चल रहा था। ठीक है, ये पार्ट टू है हमारा, जो कि बाकी के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसको हम देखेंगे। ये शॉर्ट कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लॉन्ग सारे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएंगे। जितने भी लोग गाइज नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सारी वीडियोज़ अब हम रेगुलर लेकर आने वाले हैं। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन करें। वहाँ पर अभी एग्ज़ाम आपका आने वाला है, वहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर्स या जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो वहाँ पर हम सेंड आपको करते रहेंगे। ठीक है, तो गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। हम बढ़ रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 से हमको यहाँ पर शुरू करना था। तो हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बाकी आपने जो 4 क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ लिए होंगे एंड आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, जैसा कि काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्सो एक चीज़ और, कि जो फर्स्ट ईयर के आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं वो यहाँ पर न्यू लॉन्च हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो अभी जाके आप अपना ऑर्डर वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके ऑलमोस्ट आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था कि एक्सप्लेन द प्ले पैटर्न्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। जो प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे हैं उनके खेलों के किस तरीके के प्रकार, उसकी व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लोगे तो सारे ही क्या है आपके क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पर एग्जामिनेशन में जो आने वाले हैं उनको टैकल कर लोगे। देखिए, हमेशा मैंने आपको बोला है कि आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखना है। प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं वो खेल के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जो विकास है उनका होता है। पहला हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्ले के बारे में। शारीरिक खेल जिसमें दौड़ और कूद के खेल, बॉल गेम्स हो गए, स्विंग स्लाइड्स हो गए और यहाँ पर जिमनास्टिक, ये मतलब ये गेम्स के पैटर्न है गाइस, जो फिजिकली बच्चे खेलते हैं, जिससे उनके फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, फिर फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो सारे गेम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव गेम्स, ब्लॉक और लेगो, रेत और पानी के खेल, कला और शिल्प। ठीक है, बहुत तरीके के गेम्स होते हैं, कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं बट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके माइंड गेम्स होते हैं, इंटेलेक्चुअली कई सारे गेम्स होते हैं, जैसे ड्रामेटिक हो गया यहाँ पर, रोल प्ले, ठीक है, कपड़ों को पहनना, कहानी कहने के खेल, सामाजिक में, सोशल में क्या होता है, समूह खेल, बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स। तो ये वेरियस तरीके के खेल हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव में, जैसे आपको पता है कि हम लोग चेस खेलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से पजल गेम्स हो गए, तो शैक्षणिक गेम्स हो गए, मेमोरी के गेम्स हो गए, नेमोनिक्स वाले। सृजनात्मक में हम बात कर रहे हैं कला और शिल्प, संगीत और नृत्य, कहानी बनाना। ठीक है, ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, आप देख रहे होंगे, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। नियमित खेल हो गए, जैसे हम रूल्स बना देते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद खेलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, पारंपरिक खेल और बोर्ड गेम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है और ये नीचे आपका निष्कर्ष आ जाएगा। सेम हम बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो सॉलिटरी प्ले हो गया, पैरेलल प्ले हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्ले। डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर सभी के दे रखे हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस करे, कोऑपरेटिव हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्ले हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ड्रामेटिक प्ले के बारे में, फिजिकल और एक्टिव प्ले। नेक्स्ट गेम्स विद रूल्स, ये सारी गाइस इजी लैंग्वेज है आपके लिए, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पर इसके एग्जांपल्स दिए हैं, उसके डेवलपमेंटल बेनिफिट्स आपको दे रखे हैं और नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप बहुत सारे स्टार्स भी लगा सकते हो। यहाँ पर लिखा है एरिक एरिक्सन की जो साइकोसोशल की डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में आपको बताना है। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विज्ञान है उसके सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है गाइस, तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए। जो एरिक एरिक्सन है वो मनोसामाजिक विज्ञान के सिद्धांत के दाता हैं। एक तरीके से एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिनको 8 चरणों में यहाँ पर उन्होंने विभाजित किया। तो ये सारे 8 चरण आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपने मन से नहीं बना सकते, ठीक है, यहाँ पर आप अपने मन से नहीं बना सकते, आपको ये थ्योरी के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो चलिए, इन्होंने जो स्टेजेस हैं वो इस तरीके से डिवाइड करी हैं, कि पहले जो शैशवावस्था है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बारे में बात करते हैं। आयु क्या है, जन्म से लेकर 18 महीने तक। जो केंद्रित मुद्दा है वो क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास, जी यहाँ पर हिंदी में आपका लिखा होगा। विवरण क्या है,
इस चरण में जो शिशु है वो अपने देखभाल कर्ताओं पर निर्भर होते हैं। अगर उनकी ज़रूरतें लगातार पूरी होती हैं तो उनको दुनिया पर विश्वास होता है, लेकिन अगर उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो अविश्वास विकसित हो जाता है। तो ये ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट की कहानी यहाँ पर उन्होंने बताई है स्टेज नंबर वन, कि जो बच्चा अपने आसपास के लोगों को देखता है, अगर उसकी ज़रूरतें जो पूरी हो रही हैं, ज़रूरत जो उसको लग रही है, अगर उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके आसपास के जो लोग हैं अगर वो पूरी कर रहे हैं, तो बच्चे को क्या है, ट्रस्ट की फीलिंग आती है। नहीं तो क्या है, उसको मिसट्रस्ट की फीलिंग आने लगती है, उसको प्रोटेक्टिव फील नहीं होता। ठीक है, तो ये एक स्टेज उन्होंने फर्स्ट स्टेज के बारे में यहाँ पर बताया। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर बात करते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की स्टेज। आपको एज इट इज़ इन सारे जो स्टेजेस हैं उनके नाम यहाँ पर क्या है आपको पता होना चाहिए। ऑटोनॉमस वर्सेस शेम में क्या होता है, आयु 18 महीने से 3 साल होती है। इसका विवरण क्या है कि इसमें बच्चे क्या है, स्वायत्ता और आत्म नियंत्रण विकसित करने की कोशिश करते हैं। सफल होने पर उनको आत्मविश्वास होता है और स्वतंत्र महसूस होता है, लेकिन विफल होने पर उनको शर्म और संदेह का अनुभव करते हैं। तो इस समय बच्चा क्या होता है, सीख रहा होता है चीज़ों को। अगर उसको क्या है, वो चीज़ कोई भी टास्क है अगर उसने कंप्लीट कर लिया तो उसको क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर वो उस टास्क को नहीं कंप्लीट कर पाएगा तो उसको शेम की फीलिंग आती है। ठीक है, उसको ये लगता है कि लो, उसको गिल्ट फील होता है कि मैं नहीं कर पाया। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 से 6 साल की उम्र, इस चरण में जो बच्चा है वो नई गतिविधि और खेल के पहल को करना सीखता है। सफल पहल और समर्थन मिलने पर वे आत्मविश्वासी बन जाता है, जबकि अत्यधिक आलोचना या फिर उसको असफलता महसूस होती है तो वो अपराध बोधक यहाँ पर महसूस करता है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, उसने कोई इनिशिएट लिया तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नहीं तो उसको गिल्ट फील होगा। ठीक है, अगर उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं दिया गया तो। विद्यालय उम्र में क्या होता है, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियॉरिटी। 6 से लेकर 12 साल की उम्र के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, बच्चे विद्यालय में सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं उनमें दक्षता और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सफलता की भावना उन्हें उद्योगशीलता की भावना विकसित करने में मदद करती है, जबकि असफलता उनको हीन महसूस कराती है। ठीक है, 6 से लेकर 12 के समय में बच्चा स्कूल एज में होता है, यहाँ पर वो कई तरीके की चीज़ों को करता है। अगर वो करता है तो उसके अंदर वही है कि कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड होता है, अदरवाइज़ एक शेम की फीलिंग बिल्ड होने लगती है कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे, और ये चीज़ बच्चा फ्यूचर तक लेकर जाता है कि मुझसे ये चीज़ नहीं हुई थी और ये शायद कभी हो भी नहीं पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट किशोरावस्था एडोलेसेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन 12 से 18 साल में होता है। इसका विवरण क्या है कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हम क्या है एडोलेसेंट में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर, क्योंकि इसी समय पर हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारा फ्यूचर किस तरीके का होगा। आप इस समय, आप जब भी क्लास 10th में या 12th में होते हो, आप हमेशा अपने सब्जेक्ट को कोशिश करते हो कि हम क्या लेंगे, हमारा फ्यूचर क्या है, हमें डॉक्टरेट में जाना है तो हम उस हिसाब से लेंगे, हमें इंजीनियर बनना है तो हम उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो इस समय बच्चे को क्या है, अगर अपना दिशा सही से क्लियर दिखती है तो उसकी आइडेंटिटी फ्रेम होने लगती है, नहीं तो वो रोल कन्फ्यूजन में जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट, इंटीमेसिस वर्सेज आइसोलेशन। 18 से 40 साल वालों के लिए बात हो रही है, इसमें जो लोग घनिष्ठ और सार्थक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, एरिक एरिक्सन ने हर स्टेज में ये बताया कि इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो इस समय क्या होता है, हम सोशल बनने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना फैमिली बसाते हैं, फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, हम सोशल बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। सफल संबंधों में घनिष्ठता और जुड़ाव की भावना पैदा होती है, और अगर हम असफल हो गए तो अलगाव और अकेलापन हमें महसूस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य वयस्क 40 से 65 के लिए यहाँ पर बात हो रही है, 40 से 65 यहाँ पर, जब आप बूढ़े हो रहे हो तो, लेकिन आप एक मिडिल एज में हो, उसमें समाज में योगदान की बात आती है कि हमने क्या समाज में अपना योगदान दिया, हमारी क्या पर्सनालिटी है, हमने सोसाइटी को क्या दिया। ठीक है, हमने क्या किया। जो लोग कोशिश करते हैं वो क्या है, अपने आप को जेनरेटिव फील करवाते हैं। सृजनशीलता की भावना उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है, जबकि ठहराव से उन्हें अवसाद और निरर्थकता का अनुभव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। वृद्धावस्था, जहाँ पर 65 साल से ऊपर की बात हो रही है, यहाँ पर अंतिम चरण है, लोग अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं वो लोग। ठीक है, अपनी जिंदगी को रिफ्लेक्ट बैक करके देखते हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या कमाया, कितनी रिस्पेक्ट कमाई हमने, कितना हमने सोसाइटी में योगदान दिया। एक फ्लैशबैक आता है उनकी ज़िंदगी में जब वो इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अगर उनको लगा कि उनका जीवन सफल निकला तो उनको संतोष और
अखंडता की जो भावना है वो उत्पन्न होती है, जबकि असफलताओं और पछतावे से उनको निराशा होती है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या है, ये कंक्लूजन देना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सीक्वेंस होता है आंसर राइटिंग को करने का, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, एरिक एरिक्सन का इंग्लिश मीडियम, जहाँ पर हमने बात करी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट की, कोर इश्यूज़ और यहाँ पर की आउटकम्स क्या होने वाले हैं, ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियॉरिटी 6 से 11 साल के लिए, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, यहाँ पर हम बात करते हैं एडोलेसेंट्स के बारे में, इंटीमेसीज वर्सेज आइसोलेशन 18 से 40 साल वालों के लिए, 40 से 65 वालों के लिए जेनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन आ जाता है। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी वर्सेज डेस्टर 65 से ऊपर वालों के लिए। की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एरिक एरिक्सन ने बात करे हैं, ये आप एक्स्ट्रा इनिश लिख सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन में ये पैराग्राफ आपको लिखना है कि हमने एरिक एरिक्सन की जो साइकोसोशल थ्योरी है उसमें उन्होंने क्या बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हमको प्रोवाइड करी इंडिविजुअल्स के बारे में और उनकी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज, जो शैशवावस्था है, जो 0 से 2, 0 का मतलब है बर्थ, जैसे बच्चे का जन्म हुआ उससे लेकर 2 वर्ष तक में उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं आपको उसको देखने को मिलती है। जन्म से लेकर 18 महीने तक का ये वर्ष जो पीरियड होता है, यहाँ पर हम शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विशेषताएँ जो प्रमुख हैं उनमें विकसित होती हैं। हम यहाँ पर पर्टिकुलर फिजिकल, इमोशनल और ये कॉग्निटिव जो है आपका, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चा इन्फेंट होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट उसका किस तरीके से होता है। तो त्वरित वृद्धि, जो शैशवावस्था में बच्चों की ऊंचाई और वजन तेज़ी से बढ़ता है, जन्म से पहले बच्चे में जो वजन है वो लगभग 2 गुना और ऊंचाई 50% तक बढ़ जाती है। मोटर कौशल मतलब फाइन मोटर और ग्रॉस, यहाँ पर ये बच्चा सीखता है, ठीक है। जैसे कि मोटर कौशल का विकास प्रारंभिक चरण में होता है, बच्चा सबसे पहले सिर को उठाता है, फिर पेट के बल लेटना, फिर क्रॉलिंग या फिर चलने का अभ्यास करता है। नेक्स्ट, संवेदी विकास में क्या होता है, जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और गंध की संवेदनशीलता भी इस चरण में विकसित होती है। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब उसके दिमाग का विकास कैसे होता है। ऑब्जेक्ट स्थिरता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात है, जो कि पियाजे ने यहाँ पर कहीं ना कहीं करी है, उन्होंने इसके बारे में बताया। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है वो ये समझता है कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है वो स्थिर है। अगर आपने उसके सामने कोई खिलौना रखा और थोड़ी देर बाद उस खिलौने को उसके सामने से हटा दिया, लेकिन वो बच्चा ये समझेगा कि अभी भी वो खिलौना उसकी आंखों के सामने अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। भाषा की शुरुआत करता है वो बाबा, कुकू, इस तरीके से क्या है, छोटे छोटे जो शब्द हैं या फिर नॉइजेज हैं वो निकालने यहाँ पर शुरू करता है, ठीक है। नेक्स्ट, समस्या समाधान कौशल, बच्चे विभिन्न वस्तुओं और अनुभवों के साथ प्रयोग करके समस्या को सुलझाने का कौशल यहाँ पर विकसित करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की, इसने और जुड़ाव, उसको अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स को देख के ही चीज़ों को सीखते हैं। भावनाओं की पहचान करते हैं बच्चे, प्रारंभिक जो प्राथमिक समय होता है उनका, उनकी भावना जैसे क्रोध, डर और आश्चर्य को पहचानना और व्यक्त करना वो शुरू करते हैं। सामाजिक प्रतिक्रियाओं में क्या करते हैं, इंटरैक्शन में रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे मुस्कुराना, हंसना और कभी कभी रोना। स्वतंत्रता और सुरक्षा की आवश्यकता, नीड फॉर इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, इस समय में जब बच्चा एक इन्फेंट होता है तो उसको सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत और ख्याल उसका रखना पड़ता है। जैसे कि आप सभी देखते हैं कोई छोटा बच्चा हो तो उसका हमें एक्स्ट्रा ख्याल यहाँ पर रखना पड़ता है। स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वह स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। रूटीन और स्थिरता, एक निश्चित दिनचर्या और स्थिर वातावरण में आवश्यक होती है, और उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का क्या है यहाँ पर अनुभव जो क्या है कराती है, वो चीज़ जहाँ पर हम इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी और स्थिरता, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हेल्थ और मेडिकल में टीकाकरण और खान पान, ये 2 चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है इन्फेंट्स के साथ, क्योंकि वो होते हैं बहुत ज़्यादा ही मासूम से। नेक्स्ट, यहाँ पर अगेन निष्कर्ष के बारे में हमने बात करी, अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। बर्थ से लेके 18 मंथ्स, जो कि हमने अभी हाल देखा, फिजिकल डेवलपमेंट में उनकी रैपिड ग्रोथ, मोटर स्किल्स और सेंसरी डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। कॉग्निटिव में हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस देखा,
अर्ली यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में देखा, लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों का बहुत जल्दी होता है इस एज में, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, अच्छा अटैचमेंट होता है उन्हें अपने पेरेंट्स से, एक्सप्रेशंस दिखाते हैं वो, सोशल इंट्रैक्शन करते हैं, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, एक्सप्लोरेशन क्यूरियोसिटी होती है, स्लीप उनके पैटर्न्स होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं इस समय पर, फीडिंग और ईटिंग, हेल्थ एंड मेडिकल कंडीशंस में इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चे का टीकाकरण और न्यूट्रिशनल नीड्स उसकी होनी चाहिए बहुत अच्छे से, लाइक बैलेंस डाइट उसका पूरा होना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स और मिनरल्स उसको ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, अगर वो इस स्टेज में नहीं दिए गए तो बच्चा कहीं ना कहीं अच्छे से जो उसकी डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती है। डेवलपमेंटल माइल्ड स्टोन, फिजिकल माइल्ड स्टोन, रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग। कॉग्निटिव में क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है फेसेस को अपने, जो आप उनके उसके सामने नाम बोलते हो तो वो रिकॉग्नाइज करने लगता है, सिंपल कमांड्स को वो समझता है। सोशल माइल्ड स्टोन क्या है, अपनी फैमिली के साथ वो फैमिलियर होता है, इंटरेस्ट दिखाता है सोशल इंटरेक्शंस में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, तो ये हमारा रहा कंक्लूजन। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे यहाँ पर रिस्पॉन्स करना है। मैं आप ये चीज़ देख रहा हूँ कि मैं ये सिर्फ अगर लाइन सिर्फ पढ़ भी रही हूँ तो भी आपको इजीली समझ में आ रहा है, ये इतनी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और सिंपल है लैंग्वेज में। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी अपने आप को आंसर राइटिंग में प्रेजेंट आउट करना है। हाउ डू यू मोटिवेट अ टैलेंटेड चाइल्ड, आप एक प्रतिभाशाली बच्चे को कैसे प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं आपने देखा होगा, जो टैलेंटेड चाइल्ड होता है वो खुद में ही लाइक सेल्फ मोटिवेटेड होता है, तो बीइंग अ टीचर आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे कई चीज़ों में, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी लूज़ करते हैं पढ़ने में, क्यों, क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं तो इनको जो नॉर्मल रूटीन्स हैं, जो नॉर्मल क्लासेस हैं, वो भी कभी कभी समझ में नहीं आती, इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिविटी चाहिए पड़ती है, तो बीइंग अ टीचर आप कैसे इनको मोटिवेट करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर देखते हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसके पहले गाइस मैं आपको ये बता देती हूँ, ये है वो क्वेश्चन बैंक जिनके बारे में मैं बात करी थी, जो भी बच्चों ने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं उनका क्या है, यहाँ पर ऑर्डर डिस्पैच हो गया, और भी जितने नए बच्चों को यहाँ पर करना है, पूरे 6 क्वेश्चन बैंक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि एक 499 के ऑफर में हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। प्री पेड पर ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ओनली 500 रुपीज़, ठीक है, और आपको 6 क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर हैं, तो आप अभी से बुक कर सकते हो। उसमें 2023 का पेपर भी आपको सॉल्व मिलेगा और 2011 से लेके 2022 तक के सारे पेपर इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है, और प्लस आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं जो कि बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, तो ये दिया गया है आपको व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपना ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक प्रतिभाशाली जो बच्चा है उसको प्रेरित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है कि उसके जो अद्वितीय गुण हैं और क्षमताएं हैं उनको पहचानने और उन्हें प्रोत्साहन करें। यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं कि प्रशंसा और प्रोत्साहन, सकारात्मक प्रतिक्रिया, बच्चे की सफलताओं और प्रयासों की प्रशंसा करें, ये उनकी आत्ममूल्य को बढ़ाता है और उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको प्रेज और अप्रेजल का यूज़ करना है, ये आप किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं गाइज, अगर आप किसी से कुछ भी काम के लिए आप कहना चाहते हो या फिर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो उसकी फील्ड में, तो उसके काम को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना किया गया हो, चाहे वो एक बच्चा हो या फिर आपके साथ का कोई भी मेट हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। सामान्य प्रोत्साहन, छोटे छोटे प्रयासों, ये देखिए जो चीज़ है यहाँ पर कि छोटे छोटे जो प्रयास हैं और प्रगति के लिए सहारना हमको करना चाहिए, सराहना उनको करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनको ये लगे कि जो उनके छोटे छोटे एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कीमती हैं और उनको बार बार इस चीज़ को रिपीट करने में वो मदद करते हैं और वो क्या करते हैं धीमे धीमे ऐसे ही इम्प्रूव करते हैं। उचित चुनौतियाँ, उत्साहजनक कार्य, ऐसे कार्य और गतिविधियाँ प्रदान करें जो बच्चे की क्षमताओं की चुनौती दें और उन्हें रुचियों को के अनुरूप हो, ठीक है, मतलब जो उनके इंटरेस्ट के अंदर हो, इंटरेस्ट की फील्ड के अंदर हो, उनको वो चीज़ें दी जाएँ और थोड़ी सी चैलेंजिंग टास्क हो जिससे कि वो उसको दिमाग लगा सकें और अच्छे से क्या करें उनको अकॉम्प्लिश कर सकें। स्वतंत्रता, बच्चे को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो अपनी रुचियों और क्षमताओं को क्या है अच्छे से समझ सकें और उनको दिशा दे सकें। सपोर्टिव वातावरण होना चाहिए जहाँ पर सृजनात्मकता स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको क्रिएटिविटी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संसाधन और उपकरण जहाँ पर रिसोर्सेज पर्याप्त अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इस क्या है, प्रेरणादायक उदाहरण, जैसे
मॉडलिंग या सफलता की कहानी उनको हमेशा सुनानी चाहिए, जिससे कि वो क्या है मोटिवेट हो सके। सकारात्मक चुनौती और फीडबैक उनको देना चाहिए, सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, समय समय पर उनको फीडबैक भी यहाँ पर देना चाहिए। समय और धैर्य, समय दें, आत्ममूल्यता, बच्चों के उनके स्वयं के प्रयासों और प्रगति को मान्यता देने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे अपने सफलता पर गर्व महसूस करें और दोबारा उस चीज़ को रिपीट करें और इसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ें। रचनात्मक और खोज, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हों वो दें, संसाधनों का उपयोग करें। जहाँ पर हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जैसे पुस्तकें हो गई, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और अन्य संसाधनों का उपयोग करें जो बच्चों की रुचियों को और गहरा कर सकते हैं। संवेदनशीलता और समझदारी से सुने, बच्चों की बातों को ध्यान से सुने और उनकी भावनाओं और विचारों को कद्र करें, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं होता कि वो छोटे बच्चों की बात नहीं सुनते, ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उनके दिमाग पर। तो हमको ये चीज़ करनी चाहिए, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं हम, क्योंकि उनकी बात में कभी कभी आप ये कह सकते हैं कि कोई तत्व नहीं होता छोटे बच्चों की, लेकिन वो उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने के लिए, कभी भी उनकी क्यूरियोसिटी को शांत नहीं करना चाहिए। उनके जो भी क्यूरियस हैं, वो जो जानना चाहते हैं, उनको हमेशा बताना चाहिए। सहायता प्रदान करें, यहाँ पर निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो तीन लाइन आपको निष्कर्ष की हमेशा से लिखनी है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्नॉलेजमेंट और प्रेज, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, स्पेसिफिक प्रेज आप उनको दे सकते हो। या अगर आप गाइस एक एक बार लाइन भी रीड कर लोगे ना, तो बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी लैंग्वेज में। प्रोवाइड चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़, एंगेज उनको करें एक्टिविटीज़ में और सेट गोल्स, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स उनको सेट करना सिखाएं। क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, इंकरेज करें एटमॉस्फेयर, एक्सेस टू रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्स होने चाहिए और एक इंकरेजिंग एनवायरनमेंट भी होना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। बी अ रोल मॉडल, उनके लिए एंथुजियाज्म शो करें और सक्सेस स्टोरीज को बताते रहें। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को फॉस्टर आउट करें, ठीक है, उनको इंडिपेंडेंस दें, ऐसा फ्री इन्वायरमेंट दें जिससे कि वो अपने हिसाब से सोच समझ सकें और एक्टिविटी कर सकें। उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करें, ऑफर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, गाइडेंस और सपोर्ट दें, उनकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, इन्वॉल्व देम इन लर्निंग प्रोग्रेस, उनको डायलॉग में इंगेज करें और इनक्रेज करें उनका रिफ्लेक्शन कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं और सेल्फ अवेयरनेस और मोटिवेशन उनको कैसे यहाँ पर बिल्ड आउट करना है। इनक्रेज सोशल इंटरेक्शन, जहाँ पर पीयर इंटरेक्शन होगा, पार्टिसिपेट इन क्लब्स और टीम, जहाँ पर उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट, बैलेंस एंड वेलबींग, प्रिवेंट बर्नआउट, सपोर्ट इमोशनल हेल्थ, इंश्योर दैट चाइल्ड मेंटेन्स अ बैलेंस स्केड्यूल, अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर और बर्नआउट्स, इंक्लूड्स एनकरेज ब्रेक्स एंड लेजर एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पर बर्नआउट के बारे में कोई नहीं समझना चाहता। बच्चे कई बार एक एक्सेसिव प्रेशर में होते हैं जिस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, बट क्या होता है कि सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में वो किस चीज़ को फेस कर रहे हैं इसके बारे में कोई भी नहीं जानना चाहता, ठीक है। तो इसलिए उनको एक्सेसिव प्रेशर अगर बर्नआउट है तो उसके बारे में आपको सुनना चाहिए। उनके एफर्ट्स और प्रोसेस को क्या है हमेशा वैल्यू करनी चाहिए, उनके वैल्यू दे जर्नी, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एफर्ट्स एंड लर्निंग प्रोसेस, नॉट जस्ट द एंड रिजल्ट्स, की जो यहाँ पर प्रोसेस है वो इसको कैसे यहाँ पर इंजॉय करना सीखे। सिर्फ हम रिजल्ट्स पर ना ही फोकस करें, बट ऑल्सो ऑन द प्रोसेस। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने कंक्लूजन की बात करी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बोलता है राइट डाउन द रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चा है उसके विकास में जो विद्यालय उसकी क्या भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर आपका स्कूल निभाता है, क्योंकि छोटे से आप जानते हैं हम यहाँ पर कहाँ से नर्सरी से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ट्वेल्थ तक जाते हैं, तो बहुत टाइम देते हैं हम, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का टाइम देते हैं। स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को विकास में विद्यालय की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालय न केवल शिक्षा का माध्यम है बल्कि ये बच्चों के संपूर्ण विकास को भी योगदान देता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब आपने देखा कि ये दो लाइन क्या है, इंट्रो की है, इस तरीके से आपको हमेशा ही इंट्रो लिखना है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, शैक्षिक विकास है, जो बच्चे हैं, जो विद्यालय है बच्चों को विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करते हैं जिससे कि उनको ज्ञान की वृद्धि होती है। विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम से बच्चे ज्ञान की विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता प्राप्त करते हैं जो उन्हें भविष्य के करियर और व्यक्तिगत विकास में आवश्यक होता है। यहाँ पर हम सोशल डेवलपमेंट भी सिखाते हैं, ठीक है, सामाजिक विकास, बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ हम खेलते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट, मानसिक विकास, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की,
विद्यालय जो बच्चे हैं उनके मानसिक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बच्चे की समस्याएं उनके समाधान तार्किक विचार और रचनात्मक सोच सिखाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो विद्यालय है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायक वातावरण भी यहाँ पर प्रदान करता है। भावनात्मक, जहाँ पर हम इमोशनल की बात कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो बहुत, मतलब जो यहाँ पर स्कूल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमोशनल डेवलपमेंट में। शिक्षक और साथ ही छात्रों के साथ संपर्क में आकर बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते और नियंत्रित करना सीखते हैं। विद्यालय में सहानुभूति, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास होता है। शारीरिक विकास, जहाँ पर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं तो वहाँ से उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। नैतिक और मूल्य शिक्षा, तो टीचर्स हैं वो यहाँ पर हमेशा बच्चों को क्या है, मॉरल वैल्यू सिखाते हैं और हम साथ में रह के यूनिटी, टीम स्पिरिट, कई सारी जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो हम सीखते हैं। क्या है, स्कूल में जाकर हम ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सीखते हैं, ठीक है। जो हमारे पीयर ग्रुप्स बनते हैं, हमारे फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, तो यहीं से बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे सही और गलत का भेद करना, ईमानदारी, अनुशासन, जिम्मेदारी जैसे मूल्यवान चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। सृजनात्मक और कला, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी के बारे में, वेरियस जैसे कला, संगीत, नाटक और हस्तशिल्प जैसी जो गतिविधियाँ होती हैं वो बच्चों को सृजनात्मकता का क्या है, बढ़ावा देती हैं, मतलब उनको क्रिएटिव बनाती हैं सारी चीज़ें। जब हम लोग कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हैं, सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। गाइस, व्यवहारिक और जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स के बारे में भी, अब ये जो सब्जेक्ट है लाइफ स्किल्स, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है और हर जगह इसको क्या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि समय प्रबंध, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता और संचार कौशल, ये हम लाइफ स्किल्स में सीखते हैं। आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन, समुदाय और नागरिकता, ये सारी चीज़ें क्या है, स्कूल हमको सिखाता है। सो ये है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। कॉग्निटिव, एकेडमिक, क्रिटिकल, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, इनोवेशन हम सीखते हैं। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, पीयर इंटरेक्शन होता है, ग्रुप वर्क होता है, कल्चरल अवेयरनेस होती है। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है कि बच्चा अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, इमोशनल रेगुलेशंस को सीखता है और सपोर्ट करता है सिस्टम के। ऐसा स्कूल प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट सिस्टम थ्रू काउंसलिंग सर्विस एंड रिलेशन विद टीचर्स, हेल्पिंग चिल्ड्रन विद नेविगेट जो चैलेंजेस हैं, बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, फिजिकल एजुकेशन, वही सारे जो प्रोग्राम्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, फिजिकल फिटनेस, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स, जहाँ पर स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चा सीखता है, और उसकी हेल्थ एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन, कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल फिजिकल वेलबींग, मॉरल वैल्यूज में वैल्यू एजुकेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, अकेडमिक स्किल्स, लाइफ स्किल्स जो कि हमने अभी बात करी, करियर प्रिपरेशन में गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड होती है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स। पेरेंटल एंगेजमेंट में क्या है कि कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स, जहाँ पर PTM होता है और इस तरीके से भी बच्चों का डेवलपमेंट होता है। जो भी कहीं कमियां रह गई हैं या फिर कुछ अच्छा बच्चे ने परफॉर्म किया है तो वो पेरेंट्स तक जाता है, एंड उसके बाद अगर कुछ कमी रह गई है तो वापस से इम्प्लीमेंट करके बच्चे को यहाँ पर सिखाया जाता है। तो PTM भी होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेरेंट्स टीचर कम्युनिकेशन, सेफ एंड स्ट्रक्चर एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, ये सारी चीज़ें हैं जो स्कूल के थ्रू हमको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस कंक्लूजन के बारे में, क्या आपको लिख देना है कि हाँ, स्कूल क्या मल्टीफेसेटेड रोल है वो प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और हम कौन कौन से रोल्स हमने देखे और कौन कौन से एस्पेक्ट में यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमने देखा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में, हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो व्यक्तित्व हैं उसके कितने प्रकार हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लेंदी लिया है, बट आप इसको 3-4 पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, आपके लिए जो ईजी हो आप उसको वो पढ़ लो, ठीक है, और पर्सनैलिटी के उतने ट्रेट्स आप लिख दो। पहले यहाँ पर जो पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है वो कार्ल जंग हैं, एक उन्होंने इसके बारे में बताया है, ये 3 पैटर्न्स उन्होंने बताया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इसमें इंट्रोवर्ट में क्या होता है कि बच्चा आत्ममग्न, कम सामाजिक संपर्क और स्वयं में खोया हुआ होता है, उसको बाहरी दुनिया से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता, वो बहुत एंटी सोशल टाइप का इंसान होता है। एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है, सामाजिक होता है, बहुत ऊर्जावान, बहुत बातूनी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। स्टेबल पर्सनालिटी में क्या होता है, मानसिक रूप से स्थिर और संयमित होता है, तनाव और समस्याओं को आसानी से संभाल सकते हैं, ठीक है, और अपेक्षाकृत कम यहाँ पर ये चिंतित होते हैं। स्टेबल पर्सनालिटी, अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल आउट करके रहते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूरोटिक पर्सनालिटी, भावनात्मक अस्थिरता, चिंता और तनाव उनको बनी रहती है, छोटी छोटी बातों से चिंतित, निराशा और चिंता से ग्रस्त होते हैं। जैसे हमने स्कूल कॉलेज में देखा है कि हमको हर इस तरीके की पर्सनालिटी के
लोग आपको मिल जाएंगे, या फिर आप कोमेट्स की बात करो या अपने ही फ्रेंड्स की बात करो, हर पर्सनालिटी पे आपको कोई ना कोई इंसान देखने को मिलेगा। नार्सिसिस्ट अप्रोच में क्या होता है, आत्मसंप्रेषण, खुद को अत्यधिक बहुत ज़्यादा महत्व ये लोग देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी में क्या होता है, सामाजिक परिस्थितियों से बचाव, आत्मसंदेह। नेक्स्ट बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में अस्थिर भावनाएं, तीव्र संबंध और आत्मसंवेदनशीलता। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि मनोवैज्ञानिक में जो व्यक्तिगत के अन्य प्रमुख हैं वो क्या हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया, फिर उसकी सब कैटेगरीज। क्रिएटिव पर्सनैलिटी नवीनता, नवीनता है मतलब कल्पनाशीलता है और अद्वितीय दृष्टिकोण है। गाइज ये आप हिंदी में देख लीजिएगा, ये थोड़े से टिपिकल हैं, इसलिए मैंने काफ़ी सारे कर रखे हैं, आपको जो जो ईजी लगे आप उसमें कर सकते हो। कन्वेंशनल पर्सनैलिटी, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी, जिस तरीके की ये जो टर्म्स हैं उसी तरीके की पर्सनैलिटी यहाँ पर वो दिखाने वाले हैं। हाईली सेंसिटिव मतलब क्या हो गया, अत्यधिक संवेदनशीलता, गहरी भावनाएं। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के हिसाब से पैटर्न बेस्ड पर्सनैलिटी, विशिष्ट व्यवहार और भावनात्मक पैटर्न। नेक्स्ट सोशोलॉजिकल, सामाजिक भूमिकाओं और समूहों द्वारा प्रभावित। तो ये कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स थी, आप यहाँ पर लिख सकते हो जो भी आपको यहाँ पर ईजी टू अंडरस्टैंड लग रही हो वो, और आपको जो ईजिली यहाँ पर याद हो जाए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये कुछ है, फाइव बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्साइंटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस, ठीक है, ये थोड़े से न्यूरोटिसिज्म, ये सारी चीज़ें हो गई। ये गाइज आपको नहीं करनी है, ये थोड़ा सा क्या है, क्रिटिकल हो गया है यहाँ पर। टाइप ए और टाइप बी आप ये वाला कर सकते हो, कार्ल जंग का कर सकते हो, जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में इन्होंने देखो यहाँ पर बात करी है, सिंपल से आप लिख सकते हो। अगर आपको ये होलैंड का मॉडल समझ में आ जाए, तो अगर आपको याद हो जाए तो आप लिख सकते हो रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेट, आर्टिस्टिक, सोशल और एंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल। ये क्या है, पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं जो इन्होंने बता रखे हैं। फ्रूट बताते हैं ईद ईगो और सुपर ईगो के बारे में। अटैचमेंट स्टाइल्स में अगर हम देख लें, तो ये चार तरीके के आपको यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा समझा रखा है। जैसे सिक्योर अटैचमेंट है तो कंफर्टेबल विद इंटीमेसी एंड डिपेंडेंसी, ट्रस्टिंग एंड बैलेंस, पूरा यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में बता रखा है कि किस किस तरीके से लोग बागों का एक अंदर का पर्सोना होता है और उसी हिसाब से वो बाहर बिहेव करते हैं। ट्रेड थ्योरी में कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। तो ये आप चार पाँच आठ दिए हैं यहाँ पर, मुश्किल से आप दो तीन भी कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा यहाँ पर। कंक्लूजन में आपको अगेन यहाँ पर दो से तीन लाइंस लिखनी है और यहाँ पर आपको अपना आंसर क्या है, फिनिश आउट करना है। इतना लंबा आपके लिए लॉन्ग में भी काम आएगा, और शॉर्ट में तो आपको सिर्फ दो पेजेस लिखने हैं जो कि आराम से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो दो पेज के लिए इतनी थ्योरी बहुत ज़्यादा इनफ। तो ये था गाइस पार्ट टू, यहाँ पर हमने क्या है, पार्ट वन भी डिस्कस कर रखा है। तो जो उसके चार क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप पार्ट वन में यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक मिल जाएगी। कैसा लगा आपको सेशन आप बता सकते हो, क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो भी आप यहाँ पर बिल्कुल से मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके चार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से कि आपको दो क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग का पैटर्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको कितने पेजेस यहाँ पर लॉन्ग में लिखने होते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेज लिख जाते हैं, वो कि आपको एक्स्ट्रा पेज नहीं लिखने, ठीक है, सॉरी। तो ये इस चीज़ को आपको समझना है कि आपको यहाँ पर कितना लिखना है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो जो कि हमारा होगा यहाँ पर पार्ट थ्री। टेलीग्राम चैनल को गाइस ज़रूर से ज्वाइन कर लो, ठीक है, सो दैट जो भी आपको क्वेश्चन पेपर्स या कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर शेयर करी जाइए। वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें एंड ज़रूर से बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।